यहाँ पे पहले रखा गया वो गोला फेंकने वाला, पता नहीं वही है कि नहीं। इस पे लिखा हुआ है कैनॉन। शाबाश 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 भाई साहब, बहुत मजे सर आइसक्रीम है। वो ठंड भी बहुत है, ऐसे ही रखनी पड़ती है ना हाथ में। पहुंच गए इसके अंदर। यहाँ पे किसी का पुतला है, ये नहीं पता ये कौन है, तो वहाँ पे लिखा होगा तो आपको दिखाएंगे ये कौन है, इसलिए यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन मुझे कश्मीर के अलावा यहाँ पे कोई और नहीं दिख रहा है, सारे कश्मीर के ही हैं इधर। देखिए भाई साहब, ये पुतला है, आपको नज़दीक जाके दिखाऊंगा। मैं नहीं जा सकते, ये देखिए आप, पता नहीं यार किसकी, यहाँ से नहीं दिखाई देता। ये देखिए आप, यहाँ से व्यू तो बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है यार यहाँ पे, लेकिन इस पर जो है वो हिंदी से लिखा हुआ है, वो तो हिंदी से लिखा हुआ है। देखिए आप, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो पढ़ लेना अगर किसी को आती होगी, अपने को तो नहीं आती है। यहाँ पर भी एक बोर्ड है और यहाँ पे जो है नो एंट्री है। ये देखिए आप, यहाँ से बंद है। कैसा लगा भाई आपको यहाँ, क्या यहाँ पे बिहारी लोग बन गए भाई? हाँ, गर्मी से तो हालत ख़राब हो गई। यहाँ का व्यू आपने देखा है, यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, उसकी एंट्री भी यहीं से होती है। तो अभी चलते हैं म्यूज़ियम में, देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो यहाँ से ही म्यूज़ियम की एंट्री भी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप शायद यही म्यूज़ियम है, पता नहीं कहाँ पे। और यहाँ पर क्या है, ये जो भी है बहुत ही बढ़िया है। तो म्यूज़ियम की एंट्री जो है यहाँ से हो रही है। शुरिया विथा विथी, पता नहीं क्या है यार, अब खुद पढ़ लेना। तो चलते यहाँ से। तो भाई साहब, म्यूज़ियम से वापस आ गए हैं। तो सारे मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड है, उन्होंने कहा यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे, अगर आप बहुत देखते ना यार, आप बहुत खुश हो जाते, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ पे। वहाँ पे ये भी है कौन कौन से शिप्स है इनके पास, और आर्मी पे को जो मेडल दिए जा रहे हैं वो कौन कौन से, वो भी है अंदर। और सियाचन, शायद वो बर्फ़ वाले पहाड़, वहाँ पे कैसे फौजी रहते हैं वो भी बना हुआ है, वो रियल लग रहा है। और वहाँ पे ये भी है, क्या कहते हैं उसको, कौन कौन से वार कब हुए जो इंडिया पाकिस्तान के हुए, 1962 शायद ऐसा ही कुछ लिखा था, याद नहीं, 1962 ही था। और चाइना और इंडिया का वार कब हुआ, वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाई रही है, बहुत सारा कुछ था वहाँ पे। पर इन लोगों ने अंदर फ़ोन जाने ही नहीं दिया, क्योंकि अलो नहीं किया इन लोगों ने, वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी थे। तो अभी चलते हैं वहाँ आगे, देखते आगे क्या है। लेकिन यहाँ पे गर्मी से जो है बहुत हालत ख़राब हो गई। आगे हमारे सामने टैंक भी है, वहाँ पे ये भी था, राजस्थान बॉर्डर था, बॉर्डर में कैसे टैंक्स होते हैं वो भी था, वहाँ पे बहुत सारा कुछ था। तो अब आपको यहाँ पे टैंक दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे वो मिसाइल फेंकते हैं शायद, ये देखिए आप। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कोशिश करो कहीं थे। ओ शाबाश, पूरा स्टेज बना हुआ है, देखिए पूरा स्टेज बना हुआ है यहाँ पे। भाई साहब, यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी है ना, मैं फ़ोन अपने हाथ में पकड़ नहीं सकता हूँ, ये इतना गर्म हो रहा है ना, मुश्किल हो रहा है अपने हाथ में पकड़ना, इतनी गर्मी है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक अच्छी आदत मैंने देखी, अच्छी नहीं है, ये लोग स्किन के लिए करते हैं। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ देखने को मिलती हैं ना, यहाँ बड़ी औरतें हों, वो सब फेस कवर में होते हैं, मतलब क्या उनके पास जो दुपट्टे होते हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से बांध दिए होते हैं उनके, वो सिर्फ अपनी आँखें ही खुला रखती है। और हमारे कश्मीर में अगर मैं उन लड़कियों की बात करता हूँ जो पर्दा नहीं करती है, वो कहते हैं नहीं गर्मी है, गर्मी की वजह से हम पर्दा नहीं करते हैं। अगर वो लड़कियाँ जो नहीं करती वो पर्दा करेंगी, एक वो अपने स्किन को भी बचाएंगी और दूसरा अपने ईमान को भी बचाएंगी। यहाँ पे जो गर्मी है ना, यहाँ पे अभी 36 टेम्परेचर है, तो उसका आधा मानो आप वो कश्मीर में होता है जितनी यहाँ पे गर्मी है। और फिर भी हमारे कश्मीर की जो बहनें हैं वो कहते हैं हमें कि हम पर्दा इसलिए नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका देखो, इनका हाल देखो, ये भी इंसान ही है जो इतने तापमान में दुपट्टा
फेस कवर जो कुछ भी है लगा कर चलती है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पे कुछ है शायद आइसक्रीम है वहाँ पे, तो लाते हैं खाते हैं। मिर के गिर गए पेड़ों के नीचे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आप। तो अभी चलते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है, खेती बाड़ी नहीं शायद ये फूल उगाते हैं या कुछ और पता नहीं। तो यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है ये देखिए आप, देखो आइसक्रीम कैसे मिलती है। 20 की है कुकीज़, कुकी क्रीम है ये, 20 रुपए की आती है यहाँ पे। तो पहले खाएंगे इसको भाई साहब, बहुत मज़ेदार आइसक्रीम है। वो ठंड भी बहुत है, ऐसे ही रखनी पड़ती है ना हाथ में, बहुत मज़ेदार है। चलते हैं यहाँ से वापस, अभी हमें जाना है स्टेट म्यूज़ियम, तो वहाँ पे हमारा लंच भी होगा। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन जो मज़ा कश्मीर में ना वो कहीं नहीं है यार। और कश्मीर की सीनरी जन्नत कश्मीर है, और याद भी बहुत आती है यार। तो अभी चलते हैं पहले स्टेट म्यूज़ियम, वहाँ पे लंच करेंगे और आपको दिखाएंगे अगर वहाँ पे फ़ोन अलाउड होना चाहिए यार। तो अभी चलते हैं वापस, देखते हैं। स्ट्रीट म्यूज़ियम पहुंच गए, लेकिन गर्मी से जो है वह हालत ख़राब हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से व्यू स्ट्रीट म्यूज़ियम का, देखिए यहाँ पे पहले रखा गया वो गोला फेंकने वाला, पता नहीं वही है कि नहीं, इस पर लिखा हुआ है कैनन 17th-18th century। ये देखिए आप, चलते हैं अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, वो अंदर से देखेंगे। देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है स्ट्रीट म्यूज़ियम, देखिए आप, पता नहीं एंट्री कहाँ से, वहाँ से होगी। देखिए तो स्टेट म्यूजियम में फ़ोन अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं अंदर से, कुछ नहीं बहुत सारे शॉट्स लिए हैं मैंने अंदर से, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, आप देखना ज़रूर। इस व्लॉग में इतना ही, अभी आप आगे देखते हैं अभी व्लॉग। ये देखिए पढ़ लेना जी, जिसको आता है यहाँ पे मूर्ति, और ये बुक्स देखिए